दोस्तों विजय क्लब में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे अप्रैल सेकंड वीक के करंट अफेयर्स, जिसमें मैं बात करूंगा 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। अगर आपने अप्रैल फर्स्ट वीक का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करिएगा और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों डॉच बैंक के नए सीईओ को नियुक्त किया है अभी अभी, जिनका नाम है क्रिस्टेन शुइंग, जो अभी अभी बने हैं ड्यूच बैंक के नए सीईओ। ड्यूच बैंक एक स्पेशलाइज्ड बैंक है दोस्तों, अगर आपको स्पेशलाइज्ड बैंक क्या है ये पता नहीं है तो आप मेरी बैंकिंग गवर्नेंस के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और ड्यूच बैंक का हेडक्वार्टर्स दोस्तों है ड्यूच बैंक ट्विन टावर्स फ्रैंकफर्ट में, और ड्यूच बैंक है दोस्तों एक फॉरेन बैंक है जो कि बर्लिन जर्मनी में एस्टैब्लिश हुआ था 1870 को। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री ने अभी अभी बिहार की विजिट की है, उन्होंने जो चंपारण सत्याग्रह की सेंचुरी खत्म हुई थी इसलिए वो बिहार गए थे, उन्होंने वहां पे 20,000 लोगों को अटेंड किया था, एड्रेस किया था, और उनको वो कहते हैं स्वच्छाग्रही, याद रखिएगा दोस्तों स्वच्छाग्रही कहते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने उस दिन एक इंडिया की सबसे पावरफुल इंजिन वाली ट्रेन जो है उसको इनॉग्रेशन किया था, वो कि वीडियो लिंक के जरिए किया था, यानी कि ऑनलाइन किया था। उस इंजन का हॉर्स पावर है 12,000 और उसकी स्पीड है मैक्सिमम दोस्तों 120 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों नीति फोरम जो फरवरी में बनाया गया था उसकी पहली मीट अगरतला त्रिपुरा में अभी अभी हुई है। दोस्तों नीति फोरम की मीटिंग हुई है दोस्तों, याद रखिएगा नीति आयोग की नहीं, नीति फोरम एक नीति आयोग के अंडर का ही यूनिट है, हालांकि ये उसका काम कुछ अलग है। नीति फोरम का काम है दोस्तों कि जो भी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के जो भी सारे स्टेट्स है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, इसके लिए इसको फॉर्म किया गया है दोस्तों। इसको फॉर्म किया गया था फरवरी 2018 में और इसकी पहली मीट अभी अभी हुई है अप्रैल के सेकेंड वीक में दोस्तों, वो हुई है कहाँ पे, अगरतला त्रिपुरा में। दोस्तों हमारे होम मिनिस्टर ने अभी अभी एक एनएसजी का नया कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में इनॉग्रेट किया था। एनएसजी दोस्तों एक एंटी टेरर फोर्स है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। इसको खोलने की वजह ये थी, इस कॉम्प्लेक्स को खोलने की वजह ये थी कि जो 26/11 में जो हमला हुआ था, मुंबई अटैक हुआ था, उसमें जो ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम्स लग गया था उस रिस्पॉन्स टाइम को कैसे किया जाए उसके ऊपर ये हब काम करेगा। अर्ली इसके पहले तीन हब पहले ही खुल चुके हैं, पहला खुला था मुंबई में, दूसरा चेन्नई में, तीसरा कोलकाता में, और अभी दोस्तों चौथा खुला है जो कि है कहाँ पे दोस्तों, इब्राहिमपट्टनम नियर हैदराबाद। दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अभी अभी एक डेलीगेशन लेवल टॉक रखा था दोस्तों, उन्होंने ये टॉक रखा था दोस्तों स्वाजीलैंड किंग माश्वती थ्री के वहां। देख याद रखिए दोस्तों स्विट्जरलैंड नहीं है, स्वाजीलैंड है जो कि अफ्रीकन कंट्री है। हमारे प्रेसिडेंट अभी अफ्रीकन कंट्रीज के दौरे पे है, वहाँ पे उन्होंने बात दो अग्रीमेंट साइन किए हैं दोस्तों, एक था हेल्थ के ऊपर और एक दूसरा था वीजा के ऊपर। दोस्तों अभी यहाँ पे जो उनकी मीट है वो खत्म होगी, तब वो आगे जाके जाम्बिया को विजिट करेंगे। दोस्तों हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो कि 10 अप्रैल को था, उस वक्त दिल्ली में एक दो दिन की साइंटिफिक कन्वेंशन का इनॉग्रेशन किया था दोस्तों, और इसकी थीम थी दोस्तों इवॉल्व प्रोग्रेस एक्सप्लोरिंग साइंस सिंस 40 इयर्स। दोस्तों WHD है जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है वो मनाया जाता है दोस्तों डॉक्टर क्रिस्टीन फ्रेडरिच सैमुअल हैनमन के याद में, क्योंकि उन्होंने ही होम्योपैथी की शुरुआत की थी, और दोस्तों इस साल उनका 263rd बर्थडे था। दोस्तों जो सीरिया में अभी वॉर चल रहा है वहां पे यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके ऊपर एक इमरजेंसी मीटिंग रखी थी, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वहां पे केमिकल वेपन्स का उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए
यूएनएससी ने एक मीट रखी थी, इमरजेंसी मीटिंग रखी थी केमिकल वेपन के सस्पेक्ट की वजह से, क्योंकि सीरिया में हो रहा है दोस्तों। दोस्तों नेपाल के प्रेसिडेंट जो है विद्या देवी भंडारी जी दोस्तों, उन्होंने अभी त्रिदिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स का इनोग्रेशन किया था दोस्तों। वो हुआ था काठमांडू नेपाल में और उसका थीम थी दोस्तों आइडेंटिफाइंग चैलेंजेस, असेसिंग प्रोग्रेस, मूविंग फॉरवर्ड, एड्रेसिंग इम्प्यूनिटी एंड रियलाइजिंग ह्यूमन राइट्स इन साउथ एशिया दोस्तों। उसमें कुल मिलाकर 20 कंट्री के दो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। रॉबर्ट पिटक्रेन बन गए हैं कॉमनवेल्थ के सबसे पुराने खिलाड़ी जिन्होंने डिब्यूट किया था गोल्ड कोस्ट गेम्स में दोस्तों। गोल्ड कोस्ट गेम यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में, बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी सब याद नहीं रखना है दोस्तों। हमारी जो भारतीय शूटर हीना सिंधु है जिन्की उम्र 28 साल है, उन्होंने 25 मीटर पिस्तौल फायरिंग में गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में जो कि हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। अनुष्का शर्मा को दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन आउट है वो अलग अलग तरह की थीम्स को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इसी वजह से उनको दोस्तों अभी इस साल दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री जी ने अभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कॉन्क्लेव जो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुआ था उसको अटेंड किया था, और इस कॉन्क्लेव की मदद से दोस्तों जो हमारा मिशन है न्यू इंडिया मिशन 2022 उसके लिए एक एक्शनेबल रोड मैप तैयार होगा। ये आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, आप बस इतना याद रखिए कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में दोस्तों। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अभी दिल्ली में एक एलपीजी स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उसको इनॉग्यूरेट किया है, उसको एस्टैब्लिश किया है दोस्तों। पीएमयूवाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस स्कीम्स के अंदर जो 4000 एलपीजी कनेक्शन है वो ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल कार्ड धारक हो और या कि गरीबी रेखा के नीचे आते हो। इस स्कीम का टारगेट जो पहले 5 करोड़ था वो बढ़ा के अभी कर दिया है दोस्तों 8 करोड़ कनेक्शन 2020 तक दोस्तों। त्रिपुरा के सीएम जो है बिप्लब कुमार देव, उन्होंने एक प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना पीएमकेवीवाई का एक स्टेट कंपोनेंट लॉन्च किया है दोस्तों, कहाँ पे, त्रिपुरा में दोस्तों। और वो लॉन्च किया है उन्होंने डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत। इसके अंतर्गत दोस्तों 1,16,000 लोगों को 2020 तक ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो स्टेट में इंडस्ट्री है पाइनएप्पल बम्बू और रबर और जैकफ्रूट के बेस, उस इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में भी सोचा जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कैंसर की कीमोथेरापी की ट्रीटमेंट होती है वो अभी कैंसर पेशेंट्स को फ्री में प्रोवाइड की जाएगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वैसी घोषणा की है। ध्यान से सुनेगा दोस्तों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी कैंसर पेशेंट्स को कीमोथेरापी की ट्रीटमेंट जो है वो फ्री में देगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में दोस्तों। इस स्कीम का जो पहला फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा जून से, और उसमें एक हॉस्पिटल खोले जाएंगे नागपुर, गढ़चिरौली, पुणे, अमरावती, जलगांव, नासिक, वर्धा, सतरा, भांद्रा एंड अकोला में। ये जो सारे स्टेट मैंने बताए वहां से जो भी फिजिशियंस है या जो भी नर्स है उनको तीन वीक की एक मेडिकल ट्रेनिंग के अंदर से पास होना होगा दोस्तों। जो ट्रेनिंग दोस्तों उन लोगों को दी जाएगी मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ टाटा मेमोरियल के द्वारा। अब दोस्तों कई लोगों को ये पता नहीं होता कि कीमोथेरापी क्या होती है, तो दोस्तों कीमोथेरापी इज अ यूज ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स डिजाइन टू स्लो और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द रैपिडिटी डिवाइडिंग कैंसर सेल्स इन द बॉडी। तो दोस्तों एक कीमोथेरापी एक ऐसी केमिकल्स की द्वारा ट्रीटमेंट की जाती है जिससे जो कैंसर्स के सेल होते हैं उनका ग्रो कम किया जाए या उनको बिल्कुल बंद किया जाए दोस्तों। तमिलनाडु के सीएम इडप्पीडी के पालनीस्वामी ने अभी अभी एक बायलिंगुअल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों फार्मर्स के लिए, जिस ऐप का नाम है उजावहन। याद रखा गया, अभी इसका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, शायद उजावहन ही होगा। ये ऐप में दोस्तों टोटल 9 टाइप्स की सर्विसेज दी जाएंगी जैसे कि इंश्योरेंस है, लोन है, बैंकिंग है वगैरह।
तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, इसको बिल्कुल भी भूलिएगा मत। उजावन ऐप लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु के सीएम है इडिपड़ी के पलनी स्वामी। दोस्तों हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे नेशन में एक यू स्कीम लॉन्च करने वाला है 30 अप्रैल को, जिसका नाम है गोवर्धन योजना। उस योजना के अंतर्गत ऐसा बताया जाए कि जो कैटल डंग होता है, गाय भैंस का मलमूत्र होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए और उसको कैसे कन्वर्ट करके बायोगैस या अदर एनर्जी के जो सोर्सेस है उसको कैसे बनाया जाए। दोस्तों इससे दो तरह के फायदे होंगे, एक तो जो हमारे गांव या शहर है वो बहुत ही साफ रहेंगे, सुथरे रहेंगे, और दोस्तों एक जो एनर्जी है वो मिलेगी, जो गाय भैंस का मलमूत्र है उससे बायोगैस मिल सकता है और उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। इस तरह के दो फायदे होंगे। इस योजना का दोस्तों दूसरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज फंड स्कीम। याद रखिएगा दोस्तों ये भी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स फंड स्कीम। और इसका एक और अहम है जो कि है कि जो कि गांव लोगों की जो जिंदगी है उसको अच्छे से सुधार कैसे किया जाए। इसमें दोस्तों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के फंड 60-40 के रेशियो में रहेंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 60% फंडिंग करेगा और स्टेट गवर्नमेंट करेगा 40% फंडिंग। दोस्तों चलिए देखते हैं थोड़ी सी कॉमनवेल्थ के बारे की भी खबरें। दोस्तों जीतू राय ने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। किसमें? तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल फायरिंग में दोस्तों उन्होंने नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है और उन्होंने दोस्तों हासिल किया है गोल्ड मेडल। उसी में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कैरी बेल जो है उन्होंने हासिल किया है सिल्वर मेडल और ओम प्रकाश मिथ्रावल उन्होंने हासिल किया है ब्रॉन्ज मेडल। दोस्तों इंडिया के 17 साल की शूटर मेहुली घोष ने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक इंडिया का नया रिकॉर्ड कर दिया है। वो एक ऐसी महिला बनी है जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों इंडिया ने पहली बार कॉमनवेल्थ हिस्ट्री में पहली बार एक बैडमिंटन टीम में गोल्ड जीता है। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है, इंडिया ने अभी तक के कॉमनवेल्थ गेम्स में उसमें कभी भी बैडमिंटन में गोल्ड नहीं जीता, लेकिन इस पर उसने बैडमिंटन टीम में गोल्ड जीता है। इंडिया ने डिफीट किया है दोस्तों मलेशिया को और उनका स्कोर था 3-1। इंडिया ने इससे पहले 2010 में इसी कैटेगरी में बैडमिंटन टीम में एक सिल्वर मेडल जीता था जो कि इंडिया का अभी तक का बेस्ट था, लेकिन अब इंडिया जीत चुका है गोल्ड मेडल। इस जो 5 मेंबर की टीम जो भेजी गई थी उसमें से दोस्तों एक थे साइना नेहवाल और दो दूसरे थे किदंबी श्रीकांत। दोस्तों इंडिया की मेंस की टेबल टेनिस टीम ने भी जीत लिया है गोल्ड मेडल, उन्होंने हराया है नाइजीरिया को। दोस्तों वेटलिफ्टर पूनम यादव जो है उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है वेटलिफ्टिंग में। उनकी कैटेगरी थी वो थी दोस्तों 69 kg, वीमेन 69 kg। उन्होंने कुछ टोटल वेट कम्बाइंड उठाया था 222 kg, उसमें से 100 kg था दोस्तों स्नैच में और 122 kg था क्लीन एंड जर्क में। उन्होंने हराया है इंग्लैंड की सारा डेविस को। दोस्तों मेंस की टीम की तरह वुमेन्स की टीम भी जीत चुकी है टेबल टेनिस में गोल्ड। इंडियन वुमेन टीम्स ने जीत लिया टेबल टेनिस में गोल्ड दोस्तों, और इंडियन वुमेन टीम्स की जो कैप्टन थी, लीडर थी, वो थी मनिका बात्रा। दोस्तों यूएई और मलेशिया ने मिलके अभी अभी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है जिसका नाम है डेजर्ट टाइगर 5। याद रखिएगा दोस्तों यूएई और मलेशिया ने मिलके अभी भी जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है उसका नाम है डेजर्ट टाइगर 5। दोस्तों जो कि मैंने आपको पहले बताया कि मोदी जी ने एक वीडियो लिंक के जरिए एक ट्रेन को लॉन्च किया है जो कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट हाई स्पीड ट्रेन इंजन है दोस्तों, तो वो प्रोजेक्ट दोस्तों हमने बनाया था फ्रांस की मदद से, उसकी कंपनी थी एल्स्टॉम की मदद से। और इस इंजन का जो हॉर्स पावर है वो है 12,000 और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 km/h। और इसका एक लोकोमोटिव का जो खर्चा है वो है 25 करोड़ रुपए। दोस्तों एक बड़ी अच्छी खबर है कि अभी से यानी कि अप्रैल से जो भी ट्रांसजेंडर है उनको एक कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया जाएगा पान कार्ड के फॉर्म में। वो अभी तक हमारे वहाँ नहीं था, लेकिन अभी ट्रांसजेंडर की एक कैटेगरी रिकॉग्निशन मिल चुका है उन लोगों को पान कार्ड में।
दोस्तों एसबीआई ने उसकी यूके की सब्सिडरी का लॉन्च का अनाउंसमेंट कर दिया है दोस्तों। उसका कैपिटल होगा 225 मिलियन पाउंड्स और दोस्तों इसका नाम होगा एसबीआई यूके लिमिटेड। दोस्तों एसबीआई ने अभी भी कहा है कि वो नेपाल में जो हाइड्रो पावर प्लांट बन रहा है वहां पे वो 80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। उस हाइड्रो पावर का नाम है दोस्तों अरुण 3। उसकी कैपेसिटी है दोस्तों 900 मेगावाट्स, 900 मेगावाट्स। दोस्तों राजेश रंजन जी को CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अभी 3 days 16th इंटरनेशनल एनर्जी फोरम IEF मिनिस्टर मीटिंग का जो है वो उसका इनोग्रेशन किया है। ये मीटिंग है दोस्तों वो इंडिया ने होस्ट की थी और उसका को होस्ट थे चाइना और कोरिया। मीटिंग का फोकस था दोस्तों ग्लोबल शिफ्ट्स के ऊपर, ट्रांजिशन पॉलिसीज के ऊपर और नई टेक्नोलॉजी का जो मार्केट की स्टेबिलिटी पे इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर और फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो है एनर्जी सेक्टर में उसके ऊपर क्या क्या किया जा सकता है। दोस्तों तमिलनाडु में कांचीपुरम में अभी अभी 4 दिवसीय बाइनेनियल का जो एक्सपो था वो हुआ था। बाइनेनियल का मतलब होता है हर 2 साल में एक बार और बाइएनुअल का मतलब होता है हर साल में 2 बार, तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका नाम था दोस्तों डेफ एक्सपो इंडिया 2018 जो कि होता है बाइएनुअल एग्जीबिशन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री हार्डवेयर। इसमें कुल 700 एग्जीबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया था जो कि कुल 50 कंट्रीज से अलग अलग कंट्रीज से आए हुए थे। दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक्सपेक्ट कर लिया है, उसका फोरकास्ट कर लिया है। उन्होंने बताया कि वो होगा 7.3%। लेकिन आरबीआई ने जो अभी अभी बताया था हमारा फोरकास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ था वो बताया था 7.4%। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनका फोरकास्ट 0.1% कम है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का ऐसा भी कहना है कि ये जो फोरकास्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 2019 आते आते 7.6% तक का भी हो सकता है। इस रिपोर्ट में इन्फ्लेशन को एवरेज 4.6% तक बताया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर्स है फिलीपींस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का काम है उसके मेंबर को, उसके पार्टनर को लोन देना, टेक्निकल असिस्टेंट देना, ग्रांट देना और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके पार्टनर्स कंट्रीज का हो सके। एडीबी के अभी कुल 67 मेंबर्स है जिसमें से कुछ 48 मेंबर एशिया पैसिफिक रीजन्स के हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अभी अभी मासाजो नोनाका को 112 ईयर का बताया है जो कि दुनिया के विश्व के सबसे ओल्डेस्ट लिविंग मैन है। कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटर श्रेयसी सिंह ने दोस्तों वुमेन्स डबल ट्रैप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ध्यान रखिएगा ये खबर, श्रेयसी सिंह जो कि शूटर है उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है वुमेन्स डबल ट्रैप में। सऊदी अरमाको है उस कंपनी ने अभी अभी इंडिया में $44 बिलियन का प्रोजेक्ट साइन किया है। उसने ये प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है जॉइंट वेंचर में अरे सॉरी से उसने प्रोजेक्ट उसे डील की है रत्नागिरी रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स के साथ। याद रखिएगा दोस्तों सऊदी अरमान को ये डील की है रत्नागिरी रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स के साथ और रत्नागिरी रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स है वो एक जॉइंट वेंचर है IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स का और BPC भारतीय पेट्रोल कॉरपोरेशन का। दोस्तों कॉमनवेल्थ से एक और खबर, साइना नेहवाल जो है उन्होंने पीवी सिंधु को हरा कर जीत लिया है गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में। याद रहेगा दोस्तों साइना नेहवाल ने हराया है पीवी सिंधु को और जीत लिया है कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल। ये उनका दूसरा गोल्ड मेडल था।
उड़ीसा का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज खुला है इब नदी के ऊपर, इब रिवर के ऊपर, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। और उसका खर्चा था कुल 117.50 करोड़ रुपए। यहाँ पे सवाल ये बनता है दोस्तों कि ओडिशा का ये अगर ये सेकंड लार्ज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है तो उनका पहला लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने आईआईटी दिल्ली के साथ एक टाइप किया है जिसमें व्हीकल्स में एक पैनिक बटन को इंस्टॉल किया जाएगा, और पैनिक बटन का काम होगा दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा आवाज को पैदा करना, ताकि अगर कोई महिला किसी परेशानी में है तो आसपास के लोग उसको मदद कर सके। इस पैनिक बटन का उपयोग व्हीकल्स के बाद आगे जाके मोबाइल्स में भी होने लगेगा। और इसकी एक और खासियत ये होगी कि जैसे ही बटन को प्रेस होता है वैसे ही नजदीक में जो भी उस पुलिस स्टेशन है उसको एक रिपोर्ट मिल जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी उस पे ऊपर एक्शन लिया जा सके। दोस्तों मेघना साहू जो है वो एक ऐसी पहली ट्रांसजेंडर है जिन्होंने ओला के साथ पार्टनरशिप की है एक ड्राइवर के रूप में। दोस्तों याद रखिएगा, मेघना साहू फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू पार्टनर विथ ओला। मध्य प्रदेश में अभी अभी एक गुरुकुल सिस्टम के ऊपर मीटिंग होने वाली है, उसकी वेन्यू है उज्जैन, और इसकी ये मीटिंग हो रही है कोलाबोरेशन में जो कि है भारतीय शिक्षण मंडल में। इस मीटिंग पे डिस्कस किया जाएगा कि जो हमारी गुरुकुल सिस्टम थी, यानी कि गुरु के सामने बहुत सारे शिष्य बैठते थे, उसके आश्रम में रहते थे, तो वो सिस्टम के प्रोस क्या थे, कॉन्स क्या थे, उसके फायदे क्या थे वगैरह पे इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसने ऐसा कहा है कि जो प्रिवेंशन अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें कुछ और चेंजेस लाने होंगे, ऐसा कहा है दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। चलिए और कॉमनवेल्थ की खबरें देखते हैं। तो गौरव सोलंकी ने जीत लिया है गोल्ड 52 kg कैटेगरी में, और विकास कृष्ण यादव ने भी जीत लिया है गोल्ड 75 kg कैटेगरी में। तो आप मुझे बताएं कि ये दोनों खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं। और फॉर्मूला वन रेस की बात करें तो रिकियार्डो सेवरस जिसका निकनेम है शुई, वो वहां पे जीत चुके हैं, उनकी टीम है रेड बुल। नीरज चोपड़ा है, उन्होंने जीत लिया है मेंस जिवेलिन में गोल्ड मेडल, जो कि अभी तक का कॉमनवेल्थ गेम का सबसे पहला गोल्ड मेडल है, यानी कि इंडिया ने अभी तक कभी भी जिवेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल नहीं जीता था, लेकिन अभी नीरज चोपड़ा जी ने जीत लिया है। संजीव राजपूत, उन्होंने मेंस राइफल 3 में गोल्ड मेडल जीत लिया है, और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड एस्टेब्लिश कर। विनेश फोगट ने जीत लिया है विमेंस 50 kg रेसलिंग में गोल्ड। मनिका बात्रा फर्स्ट ऐसी कंट्री की पहली महिला बनी है वैसे, जो कि उन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल, और वो है पैडलर। अब आप बताइए कि मुझे पैडलर का मीनिंग क्या होता है। तिहार जेल जो है वो WHO का एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोग्राम अपने वहां लागू करना चाहता है, वो उसको नाम देगा समर्थन। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रोग्राम है, यानी कि अगर कोई कैदी कंप्लेन करता है कि उसे कोई मानसिक बीमारी है तो वहां पे उसको उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसको सुना जाएगा। और अगर ये प्रोग्राम दिल्ली में लागू हो जाता है तिहार में, तो ये विश्व का दूसरी ऐसी जेल होगी जहां पे ऐसा WHO का साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोग्राम चलता हो। तो पहली कंट्री है पेंसिल्वेनिया, यानी कि पेंसिल्वेनिया में भी एक जेल है, वहां पे ऐसा प्रोग्राम लागू कर दिया गया है। 65th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में श्रीदेवी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, और विनोद खन्ना को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। इसमें एक और बात है कि बाहुबली को बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है। दोस्तों कॉमनवेल्थ की एक और खबर देखते हैं, ये बहुत ही अच्छी खबर है। अनीश भनवाल जो कि सिर्फ 15 साल के हैं दोस्तों, सिर्फ 15 साल के, उन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता है, और वो भी दोस्तों उन्होंने जीता है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, ठीक से सुनिएगा। अनीश भनवाल जो कि सिर्फ 15 साल के हैं, वो
भी बन चुके हैं यंगेस्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स, और उन्होंने मेडल जीता है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तौल में। दोस्तों इंडिया ने दुबई के साथ वर्ल्ड एक्सपो में एक एमओयू साइन किया है। उस एमओयू के अंतर्गत एक इंडिया पवेलियन एक्सपो में 2020 तक बनाया जाएगा, जो कि एक्स्ट्रा लार्ज प्लॉट में होगा, जिसकी जो क्या बोलते हैं उसको, जो जो करीबन 1 एकड़ बड़ा होगा, और ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो कि अफ्रीकन कंट्रीज के विजिट में है, तो उन्होंने अभी विजिट खत्म कर दिया है जाम्बिया की, और उन्होंने वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं उन लोगों का है कि इंडिया के साथ पार्टनर बनिए और ग्रोथ कीजिए, और जो ओवरसीज सिटीजन्स का जो बेनिफिट्स होता है, एडवांटेज होता है, वो ले सकते हैं। दो कंट्री के बीच जो एमओयूज साइन हुए उसमें है, उसमें बात की गई है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन जाम्बिया, यानी कि जाम्बिया में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। फिर टैक्सेशन के बारे में, वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स और जुडिशियल कोऑपरेशन के बारे में भी वहाँ उस एमओयू में बात की गई है। ये अभी तक का पहली बार ऐसा बना है कि कोई हमारा प्रेसिडेंट हो वो जिसने जाम्बिया की विजिट ली हो। इससे पहले हमारे प्रेसिडेंट ने जाम्बिया की विजिट ली थी करीबन 30 साल पहले, मतलब अभी 3 decades, मैंने कि 30 साल में ऐसा पहली बार बना है कि किसी प्रेसिडेंट ने जाम्बिया को विजिट किया गया हो। जाम्बिया की कैपिटल है ल्यूसाका, उसकी करेंसी है जाम्बियन क्वाचा, और उसके प्रेसिडेंट है एडगर चागवा लुंगू। माफ कीजिए कि अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो जाती है तो। जे एंड के बैंक ने अभी एक स्पेशल फाइनेंशियल स्कीम लॉन्च की है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, जिस स्कीम का नाम है एड ऑन वर्किंग कैपिटल GST। इसको लॉन्च किया है जे एंड के फाइनेंस मिनिस्टर सैयद अल्ताफ मुख्तारी ने, और जे एंड के चेयरमैन एंड CEO है परवीज अहमद। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में, DG के रूप में अपॉइंट किया गया है बलराम भार्गवा को, जो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के काम रूप में भी काम करेंगे। ऋषद प्रेम जी नास्कॉम के नए चेयरमैन बन चुके हैं। अभी नास्कॉम न्यूज में था क्योंकि देवजानी घोष थी जो नास्कॉम की प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त की गई थी, लेकिन अभी उनके चेयरमैन बने हैं ऋषद प्रेम जी, जो कि सक्सीड करेंगे रमन रॉय को, यानी कि रमन रॉय इसके पहले चेयरमैन थे, अब हो गए हैं ऋषद प्रेम जी। और नास्कॉम के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं केशव मुरुगेश। ये खबर तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि श्रेयसी सिंह है, उन्होंने इंडिया में शूटिंग के लिए एक गोल्ड मेडल जीत लिया है। दोस्तों ये उनका दूसरा मेडल होगा कॉमनवेल्थ में। इसरो ने IRNSS-1L का लॉन्च किया है। दोस्तों ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है, तो जो अभी इसरो का जो नेविगेशन सैटेलाइट है वो है IRNSS-1A, लेकिन अभी जो नया उस लॉन्च किया गया है IRNSS-1L, वो इस IRNSS-1A को रिप्लेस कर देगा। इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर के शिवन, और उसका हेडक्वार्टर्स है। इंडिया और मोरक्को के बीच दोस्तों एक साइन हुआ है मिनरल एक्सप्लोरेशन के बारे में, तो इंडिया ने मोरक्को के साथ एक पैक्ट में साइन किया है, जिसमें जो माइन रिसोर्सेस होते हैं उसको, उसके एक्सप्लोरेशन को और उसको प्रमोट कैसे किया जाए उसके बारे में एक पैक्ट है। तो MOU साइन हुआ था नई दिल्ली में, इसके पहले एक बहुत ही बड़ा बायलैटरल डिस्कशन हुआ था और उसके बाद जाके ये MOU साइन हुआ था। मोरक्को का कैपिटल है रबत और उसकी करेंसी है मोरक्कन दिरहम, और हमारे जो मिनिस्टर है ऑफ हमारे जो मिनिस्टर हैं माइंस के, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने जो रशियन काउंटर पार्ट थे अजीज
सॉरी मोरक्कन काउंटर पार्ट थे अजीज रबा, उनके साथ ये डिस्कशन करके ये पैक्ट पे साइन किया था। दोस्तों कैबिनेट में कुछ इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स दे दिए हैं, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला अग्रीमेंट ये है कि जो यूके और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच इंडिया ने जो एमओयू साइन किया था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं उनको वापस कैसे लाया जाए, तो उसको अप्रूवल मिल गया है। दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो यूनियन टेरिटरीज के होते हैं उनको जो अलाउंसेस है और उसका जो पे है उसको रिविजन के बारे में जो बात हुई थी उसको कैबिनेट ने पास कर दिया है। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे वहाँ बनने वाला है उसका हेडक्वार्टर्स इंडिया का, ये एक ऐसा पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में होगा। तो इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स बनने वाला है इंडिया में, पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर्स होगा इंडिया में। तो उसका हेडक्वार्टर्स बनाने का अप्रूवल मिल चुका है। जो कोल माइंस या कोल बेड मेथेन के जो एरिया अंडर कोल माइनिंग लीज में आते थे कोल इंडिया और उस जो कोल इंडिया लिमिटेड को अलर्ट किए गए थे उसका एक्सप्लोरेशन और एक्सपोर्टेशन करने की परमिशन मिल चुकी है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली में है वो दुनिया के सब 20 अच्छे एयरपोर्ट में से एक है, उसने उसका नंबर है 16th पोजीशन पे है और पहले वो करीबन 22वें पोजीशन पे था लेकिन अभी वो 16th पोजीशन पे आ गया है क्योंकि पिछले साल जिसकी जो पैसेंजर का ट्रैफिक था उसमें 14.1% का ग्रोथ हुआ है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है और उसका पैसेंजर ट्रैफिक है करीबन 104 मिलियन। सऊदी अरमान को ने इंडियन कंसोर्टियम के साथ साइन किया है, जो मैंने आपको बताया कि IOC BPCL और HBCL के साथ उसने पैक किया है 44 मिलियन की देश में। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट धूप। इसके अंदर जो असेंबली का टाइम होता है बच्चों का वो नून कर दिया जाएगा ताकि उनको विटामिन डी मिल सके सीधा सन से। तो ये प्रोजेक्ट धूप है बेसिकली विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है उसको कैसे ठीक किया जाए बच्चों में उसके लिए ही लागू किया गया है। FSSAI के चेयरमैन अभी है पवन संघ अग्रवाल। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में खुलने वाला है जिसका जिसमें कैपिटल लगाया जाएगा 25,000 करोड़ और जिसमें जो जमीन होगी वो उसको उपयोग में ली जाएगी वो होगी 11,000 हेक्टर्स और इस सोलर प्लांट की कैपेसिटी होगी 5,000 मेगावाट की। ये सोलर पार्क खुलेगा धोलेरा में। बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स के रिजर्वेशन को एंड किया गया है। बांग्लादेश में एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जो बच्चों ने किया था, तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना उन्होंने जो गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन होता है उसको खत्म कर दिया है। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका और उसकी करेंसी है बांग्लादेशी टाका। इंडिया और तिमोर लेस्ते, पता नहीं इसको ऐसे ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, अगर कुछ गलती हो तो माफ करेगा, इन दोनों के बीच हेल्थ पब्लिक हेल्थ में MOU हुए हैं। तो उस MOU के अंदर जो सोशल जस्टिस लोगों को कैसे दिलाया जाए और जो सोशल हेल्थ है उसको कैसे बढ़ाया जाए और लोगों की अफोर्डेबल हेल्थ केयर कैसे दी जाए उसके बारे में बातचीत इस MOU में बातचीत है। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस है स्टेट फॉर सोशल जस्टिस है मिस्टर कृष्ण पाल गुर्जर, उन्होंने ये MOU पे साइन किया है। तो तिमोर लेस्टे की कैपिटल है दिल्ली और तिमोर लेस्टे के प्रेसिडेंट है फ्रांसिस्को गटरस और उसके प्राइम मिनिस्टर है मरी हलकारिति। राजेश रजन जो कि सीनियर IPS ऑफिसर थे उनको DG डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का CISF का। CISF को फाउंड किया गया था 1969 में, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इंडिया के किदंबी श्रीकांत है जो बन चुके हैं वर्ल्ड के सबसे नंबर वन प्लेयर। इससे पहले भारत में से वर्ल्ड के सबसे नंबर वन प्लेयर थे प्रकाश पादुकोण जो 1980s में खेलते थे। सुशील कुमार हमारे ओलंपिक स्टार उन्होंने जीत लिया है गोल्ड
कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल रेसलिंग में उनकी कैटेगरी थी 74 kg। उनकी उम्र अभी है 34 kg और उन्होंने यहाँ पे उनके पिछली 4 मैचों के स्कोर देखिए, 10-0, 11-0, 10-0, 4-0, मतलब सबको बिल्कुल एक भी पॉइंट स्कोर करने नहीं दिया। राहुल अवेर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हमारा पहला गोल्ड रेसलिंग कैटेगरी में से जो आया था वो जीता था राहुल अवेर ने। मोदी जी ने डॉक्टर आम्बेडकर मेमोरियल की नई दिल्ली में इनोग्रेशन किया है। इस जो मेमोरियल शंकुरा है वो डॉक्टर आम्बेडकर की लाइफ को लाइफ पर डेडिकेटेड है और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन पर डेडिकेटेड है। उसमें एक एग्जीबिशन एरिया है, एक मेडिटेशन हॉल है, एक बुद्धा का स्टैच्यू है और 12 फीट लंबा आम्बेडकर का स्टैच्यू है। इसमें एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है और रूफ टॉप सोलर एनर्जी भी है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है म्यांमार और थाईलैंड के साथ। उसके अंदर जो भी सीमलेस व्हीकल मूवमेंट हो उस पर ट्रेड, बिजनेस, हेल्थ और एजुकेशन और टूरिज्म को बढ़ाने की बात है। इस प्रोजेक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और गवर्नमेंट इंडिया फंडिंग करेंगी और इसका कोर्स कुछ होगा 1177 करोड़। रामनाथ कोविंद अफ्रीका के विजिट से वापस आ गए। उन्होंने 3 कंट्री विजिट की है। सबसे पहली थी इक्विटोरियल जूनियस, स्वाजीलैंड एंड जाम्बिया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। जाम्बिया में एक बात और थी कि वहाँ पे उन्होंने जाम्बिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसमें 93 किलोमीटर रोड बनाया जाएगा। उसका खर्चा होगा 289 मिलियन, लेकिन उसमें से 250 मिलियन इंडिया उनको डोनेट करेगा। जाम्बिया का कैपिटल है लुस्कासा, करेंसी है जाम्बियन क्वाचा और प्रेसिडेंट है एडगर च्वाजा लुंगू। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2018 आ चुका है जिसमें इंडिया का रैंक है 138, जो कि बहुत ही बुरी बात है, लेकिन पहले इंडिया इससे भी पीछे था। एक साल में इंडिया 138 नंबर पे आया है। हांगकांग टॉप पे है, सिंगापुर सेकंड नंबर पे और न्यूजीलैंड थर्ड नंबर पे। तेजस्विनी सावंत ने इंडिया के लिए शूटिंग में गोल्ड जीता है। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था विमेंस 50 मीटर थ्री राइफल पोजीशंस में। बजरंग पुनिया ने उनका जिंदगी का सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है। बजरंग पुनिया एक रेसलर है और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्री स्टाइल रेसलिंग में 65 kg में। आंबेडकर जयंती जो मनाई गई थी 14 अप्रैल को, वो देश की 127th आंबेडकर जयंती थी। उसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर को ट्रिब्यूट पेड की गई थी और उनके मान में एक ट्रिब्यूट का सेलिब्रेशन हुआ था, जो हुआ था बाबा साहेब स्टैच्यू पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में, जो हमारे UPI बेस्ड भीम ऐप है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड UPI भीम ऐप है, वो PM मोदी ने लॉन्च की थी। उसका नाम भीम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से ही रखा गया था। PM मोदी ने आंबेडकर जयंती जो कि 14 अप्रैल थी उस पर एक हेल्थ केयर स्कीम की घोषणा की है। यह हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत के अंदर लागू की जाएगी, जिसमें पूरे देश में 1.5 लाख सेंटर्स खोले जाएंगे, जो जिस सेंटर में टेली कंसल्टेशन की भी सुविधा होगी। ये गेम जिस स्कीम लॉन्च हुई है जंगला विलेज इन कर्नाटका में। डेफ एक्सपो जो कि मैंने आपको पहले बताया, उसमें इंडिया और रशिया ने 7 MOU साइन किए हैं, जिसमें ये दोनों काम करेंगे मैन्युफैक्चर डेवलपमेंट ऑफ स्पेस सब असेंबलिंग असेंबलीज एंड रशियन ओरिजिनल प्लेटफॉर्म्स पर। राजनाथ सिंह ने एक वेब बेस्ड ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है ईफ्रो, जिसमें फॉरेनर्स इस ऐप्स के जरिए एक वेब पोर्टल की तरह इमिग्रेशन कर पाएंगे और वीज़ा के बारे में जानकारी ले पाएंगे, ताकि उनको हर बार एयरपोर्ट जाके परेशानी उठानी ना पड़े। तो इस ऐप की मदद से उनका ट्रैवल बहुत ही इजी हो जाएगा। इंडियन मोबाइल कांग्रेस होने वाली है अक्टूबर 2018 में, होगी होगी एरो सिटी नई दिल्ली में। ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन एशिया के बारे में डिस्कस किया जाएगा और ये ऑर्गेनाइज की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा।
एनईआईएल ने आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक्स को तीन एक प्लेटफॉर्म के अंदर लाके एक एमओयू साइन करवाया है। ये एमओयू क्या है वो आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए कि एनईआरएल का फुल फॉर्म क्या है और उन्होंने उसने आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को एक प्लेटफॉर्म के अंदर लाकर एक रिपोजिटरी एमओयू साइन करवाया है। आईसीआईसीआई के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, उसके चेयरमैन और सीईओ है चंदा कोचर और एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन है आदित्य पुरी। आरबीआई ने जो मॉनिटरिंग ऑफ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम थी उसके मॉनिटरिंग को बहुत टाइट कर दिया है। बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, एक बात आपको यहाँ पे और याद रखनी है कि द लिबरलाइज रेमिटी स्कीम LRS वॉज इंट्रोड्यूस ऑन February 4, 2004 विद लिमिट ऑफ US$25,000। RBI के गवर्नर है उर्जित पटेल जो कि उसका 24वें गवर्नर है, उसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और RBI का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। SIDBI ने CSE को प्रमोट करने के लिए MSE को लॉन्च सॉरी माफ कीजिएगा SIDBI ने CSE के साथ मिलने कर मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए 115 डिस्ट्रिक्ट में खोलने के लिए एक पैक्ट साइन किया है, मतलब टाइप किया है। देखिए माइक्रो SIDBI अनाउंस्ड अ प्लान टू प्रमोट माइक्रो एंटरप्राइज इन 115 एप्रिशनेशनल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री, इट हैज टाइड अप विद कॉमन सर्विस सेंटर CSC। चेयरमैन यहाँ SIDBI के है मोहम्मद मुस्तफा और इसका फाउंडेशन हुआ था 1990 में। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश प्रोजेक्ट के लिए $55 मिलियन को अप्रूवल दे दिया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कर क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपांड करने के बारे में बात की जाएगी जो कि रूरल एरियाज में होगा और इसके तहत 1000 सोलर इरिगेशन पंप्स, 23,000 मिनी ग्रिड्स और 4 मिलियन इंप्रूव्ड कुकिंग स्टोव्स रूरल एरियाज में दिए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है जिम योंग किंग और इसका हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन DC में। संजीव राजपूत को शूटिंग में मिला है गोल्ड, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में। ये उनका लगातार तीसरा मेडल है, उन्होंने 2010 और 2014 में भी मेडल जीता था, लेकिन उन्होंने जीता थे सिल्वर और ब्रॉन्ज, लेकिन उनका ये इस बार उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा मैंने आपको पहले भी बताया कि जेवलिन थ्रो में फर्स्ट इंडियन बने हैं जो कि जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता हो। उन्होंने थ्रो किया था 85.90 मीटर तक अपना जेवलिन। मैरी कॉम भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने बॉक्सिंग कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता हो। वो अभी तक 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है और उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज भी जीता है, लेकिन उनका ये कॉमनवेल्थ का पहला गोल्ड मेडल था। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 45 और 48 केजी कैटेगरीज में और उन्होंने हराया था नॉर्दर्न आयरलैंड की क्रिस्टीना ओहारा को। देखिए कॉमनवेल्थ के जो क्वेश्चंस है वो बहुत एग्जाम में आएंगे। PNB ने अभी अभी अपना फाउंडेशन डे बनाया जो कि था 12 अप्रैल को और PNB ने एक वॉलनट ऐप के जरिए एक फीचर अपना ऐड किया है जिसमें आप बिल रिमाइंडर, बिल स्प्रिट और इंस्टेंट पेपर लॉन्स के बारे में जान सकते हैं। वॉलनट एक UPI बेस्ड पार्टनरशिप ऐप है। देखिए एक और कॉमनवेल्थ की खबर आ रही है, तो देखिए कॉमनवेल्थ की खबर तो बहुत एग्जाम में कम से कम अगर आपकी अगले 4 महीने में एग्जाम है तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो कॉमनवेल्थ गेम्स से आएगा ही आएगा, तो इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स को अच्छे से पढ़िएगा और अगर आपको लगे तो मुझे कॉमेंट में बता दीजिएगा, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते हैं कुछ 66 मेडल्स जिसमें से 26 मेडल गोल्ड है, 20 सिल्वर है और 20 ब्रॉन्ज है। ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये PDF चाहिए तो अपना ईमेल आईडी मुझे मेल में दे दीजिए, मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ।
किदंबी श्रीकांत ने सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनको उनको हराया है मलेशिया के ली चोंग वुई में, वो बहुत एक लेजेंडरी प्लेयर है। खैर हमारे किदंबी श्रीकांत अभी वर्ल्ड के टॉप में है, लेकिन फिर भी उनको कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल नहीं मिला है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अभी तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कॉमेंट में अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे अपना ईमेल ID दे दें, और मैंने जो जो भी बीच बीच में सवाल पूछे हैं उसके आंसर आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। तो विजन एकलव्य में अभी तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।